guys, welcome or welcome back to my channel. It's me, Rachita, and you're watching That Time Girl Rachita. So guys, if you're new to my channel, do consider subscribing, like my video, share my videos, and hit the bell icon so that whenever I upload the video, you get notified and you can watch my videos. So guys, let's quickly straight dive into the vlog. So guys, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अच्छा सा व्लॉग, व्लॉग कह लो या फिर हॉल कह सकते हैं, या टू बी प्रिसाइज हॉल शेयर करने वाली हूँ बहुत अच्छा। आपको पता है मैं कितनी बार ना शॉपिंग पे जाती हूँ, तो होम सेंटर गई थी एज यूजुअल घर के लिए सामान लेने, तो ढेर सारा सामान लेकर आई हूँ, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि जब तक आपके साथ शेयर नहीं करती ना, मुझे मन ही नहीं करता वो चीजें यूज करने का। एक और चीज मुझे आपके साथ पूछनी है कि मैं हेयर स्टाइल क्या करूंगा। इस सच्चे में मैं आपको बताई थी मुझे कोई हेयर स्टाइल बनाने को आता नहीं है, सो मैंने क्या किया देखो, ये लेकर आई हूं मैं विग, और मैंने सोचा कि समटाइम्स यू नो इसको पहना करूंगी तो शायद थोड़ा सा हेयर स्टाइल बदल जाए, क्योंकि आई डोंट हैव एनी हेयर स्टाइलिस्ट, और मेरे बाल भी ना इतने लंबे हैं कि अगर मैं किसी को बुला भी लूँ ना तो भी इतना टाइम लग जाएगा। आपको पता ही है कि ये देखो, मतलब फ्रंट से अच्छा दिखेगा तो आपको भी लगेगा कि हाँ लुक थोड़ा सा बदल गया है, सो बस इसीलिए वो लिया है। और मैंने सोचा कि चलो मैं इसको पहनती हूँ और दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। सो अभी मैं ना जो चीजें लाई हूँ उसका हॉल भी मुझे शूट करना है, सो मैंने सोचा ये विग लगाऊंगी और उसके बाद उसमें हॉल शूट करूंगी। सो बेसिकली ना ये कुछ इस टाइप का है, बस आपको ना ऐसे इसको लगाना है एंड यू आर सॉर्टेड। तो अब देखना मैं इसको कैसे लगाती हूँ, क्योंकि ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई यू नो मेकअप लुक शेयर कर दो, या फिर कुछ हेयर स्टाइल बता दो, कुछ यू नो क्लोथिंग आइडियाज दे दो, या फिर कुछ भी बहुत सारी ऐसी चीजें शेयर कर दो, क्योंकि फेस्टिव सीजन इज कमिंग गाइस, कमिंग क्या आ ही गया है, ओणम, नवरात्रि, दिवाली, बहुत कुछ आ रहा है, तो उसके लिए ना हमें रेडी तो होना ही पड़ता है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मेकअप से रिलेटेड आपको कुछ ऐसी चीजें दिखा दूं जो आपके काम आएंगी ही, तो मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड हाँ, मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हो। सो आज मैंने पहना ये काफी अच्छा सा शर्ट, बहुत दिन हो गए थे ना मैंने इसे पहना नहीं था, मैंने सोचा चलो आज इसको पहनती हूँ, चलो फटाफट से ना इस फेस्टिव सीजन को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं, कम ऑन। जैसा मैंने आपको बताया कि फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो उसमें ना हमें ढेर सारी चीजों की प्रेप्स करनी पड़ती है, बट हाँ सब कुछ तो मिल बांट के हो जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू मेकअप तो वो तो थोड़ा यू नो पर्सनल रहता है, क्योंकि सबको अपना पर्सनल टच बहुत ज्यादा पसंद होता है। सो जब भी मेकअप की बात आती है तो मुझे ना बहुत एक्साइट करती है ढेर सारी लिपस्टिक्स, एंड वो ब्रांड जो मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ दैट इज मामा आर्ट। सो मामा आर्ट की बहुत सारी लिपस्टिक्स ली है मैंने, आपके साथ शेयर करूंगी कौन कौन से प्यारे प्यारे शेड्स है मेरे पास जो आपके फेस्टिव सीजन को ना बहुत अच्छा बना देंगे। हर एक फेस्टिवल पे ना आप एक नया लुक क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि देखो लिपस्टिक को एज अ लिपस्टिक तो हर कोई लगाता है, बट हमारे की मॉइस्चर मैट लिपस्टिक है ना, इनको आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। देखो लिपस्टिक तो आप यूज करोगे ही करोगे, एज अ ब्लश यूज करो, आई शेडो यूज करो, जैसा मन करे वैसा इनको यूज करो, एंड अपना एक अलग ही लुक क्रिएट कर सकते हो, एंड या फिर दो तीन लिपस्टिक्स को मिक्स एंड मैच करके आप अपना एक नया यूनिक शेड भी बना सकते हो। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको अपने फेस्टिव सीजन में क्या न्यू क्रिएटिविटी करनी है व्हेन इट कम्स टू मेकअप। बताओ मेरे पास इतनी सारी लिपस्टिक्स है, मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एंड हाँ लुक को कंप्लीट करने के लिए एक और अच्छी चीज है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी देर के बाद। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली, करवा चौथ, ओणम, या फिर दुर्गा पूजा, बहुत कुछ आ रहा है गाइस, आई एम सो एक्साइटेड कि क्या ड्रेस पहनना है, क्या मेकअप करना है, बट हाँ थोड़ा एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि मैं भी इन्हीं में से करने वाली हूँ। सो देखो जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास है ये मामा आर्ट की मॉइस्चर मैट लिपस्टिक, बहुत अमेजिंग है, 12 आवर्स लॉन्ग स्टे करती है, एंड सिंगल स्ट्रोक एप्लीकेशन, ओ माय गॉड गाइस इतना अच्छा पिगमेंटेशन है इनका, मतलब आप ये देखो मजा आ जाता है, यहाँ पे लगाया है कितना प्यारा है, देख रहे हो कलर पे ऑफ कितना ज्यादा सुंदर है, मॉइस्चर मैट मतलब समझ गए ना, मॉइस्चराइजेशन देती है आपको एंड कंप्लीटली मैट है, हर एक इंडियन स्किन टोन पे ना ये सारे कलर बहुत अमेजिंग लगते हैं। और मॉइस्चर क्यों देती, क्योंकि इसके अंदर एवोकाडो ऑयल और विटामिन ई है, ये तो आपको पता है कि मामा आर्ट के सारे प्रोडक्ट्स मेड से सर्टिफाइड है, और बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो आप डेली नहीं लगा सकते क्योंकि स्किन खराब हो जाती है, बट मामा आर्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो आप डेली वेयर कर सकते हो और आपकी स्किन भी खराब नहीं होती है। और सो गाइस का जो फॉर्मुलेशन है ना काफी ज्यादा बेस्ट है, तो नॉन ड्राइंग फॉर्मूला है इसका, लाइट वेट टेक्सचर
फेशियल, आपको पता ही नहीं लगता कि आपने ना कुछ लगा रखा है। तो अभी ना देखो मैंने अपने लिप्स पे यही लगा रखा, बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं हो रही है। इवन शेड्स तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे फेवरेट शेड कौन से बहुत ही ट्रेंडी शेड्स हैं जो आप बाय कर सकते हो। चेरी पंच, प्लम पंच, कार्नेशन न्यूड, रास्पबेरी स्कारलेट, पिंक लैमिनेट, सिनेमन न्यूड एंड मेलन रेड। ये मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स ही क्यों पसंद है कि एक तो देखो इसमें किसी भी टाइप का कोई केमिकल्स नहीं होता, कंप्लीटली नेचुरल है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, कंप्लीटली प्राउड इंडियन ब्रांड है, प्लस डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड से सर्टिफाइड है। तो ऐसी सब चीजों से ना आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जो कि मेरा तो ऑलरेडी हो चुका है। यू नो व्हाट गाइस, मामा अर्थ लिसन्स टू यू, सो यूज देयर प्रोडक्ट्स एंड शेयर योर फीडबैक। दे हैव इंप्रूव्ड देयर अनियन शैम्पू बेस्ड ऑन योर फीडबैक, सो यूज देयर प्रोडक्ट एंड शेयर योर फीडबैक। दे आर ऑलवेज अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू इनोवेशन एंड रिसर्च फॉर बेटर क्वालिटी। आपको मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप बाय कर सकते हो इजिली मामा अर्थ की वेबसाइट से और मामा अर्थ की ऐप पे। ऐप को डाउनलोड करो, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जो भी कोई नए सेल होती है या फिर अच्छे अच्छे ऑफर्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, आपको इजी और अर्ली एक्सेस मिल जाता है अगर आप ऐप को यूज करते हो तो। अगर आपको लेना है डिस्काउंट तो गाइज मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना, GLAMG2024 इनकी वेबसाइट पे और इनकी ऐप पे आपको मिलता है पूरा 20% का डिस्काउंट। एंड देखो इनके प्रोडक्ट्स आप मामाअर्थ की वेबसाइट और ऐप से तो बाय कर ही सकते हो, साथ में अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, पर्पल है, नाइका है, कहीं से भी बाय कर लो। अब तो ऑफलाइन स्टोर्स भी आ गए, तो आप ऑफलाइन जाके पर्सनली विजिट करके भी ना इनके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। एंड जब भी आप मामाअर्थ कोई भी ऑफलाइन स्टोर देखना ना, मेरे साथ शेयर जरूर करना, कमेंट करना मुझे, क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने यहाँ देखा, मैंने यहाँ देखा। इनफैक्ट मैं बहुत बार देख चुकी हूँ। गाइस मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड एंड दिस गुडनेस डज नॉट जस्ट लाई इन द प्रोडक्ट बट ऑल्सो इन द वैल्यूज दैट दे स्टैंड फॉर। एंड रिमेंबर गाइज मैंने आपको बताया था कुछ एक ऐसा जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी, एंड दैट इज मामाअर्थ का चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल, सीरियसली अमेजिंग। आप अच्छे से अच्छा मेकअप कर लो बट आपको जो लुक कंप्लीट होता है ना वो होता है काजल से। सो अभी आप देखो अच्छा सा मेकअप तो मैंने कर रखा है, लिपस्टिक भी लगा रखी है, लाइनर लगा रखा है, सब कुछ है, बट काजल इज मिसिंग। सो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे काजल और अपना लुक करेंगे कम्प्लीट। काजल लगाने के बाद लुक कितना ज्यादा एनहांस हो गया, इतना अच्छा लगता है ना, मतलब अब लग रहा है कि हाँ मेकअप कंप्लीट हुआ है। सो गाइज ये जो प्रोडक्ट है ना जरूर चेक करना, और सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ना मैं क्विकली लगाऊंगी अपनी वो विग जिससे मेरा हेयर स्टाइल चेंज हो जाए, और आपके साथ शेयर करूंगी मैं अच्छा खासा होम सेंटर का हॉल। आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ होम सेंटर का हॉल। गाइज प्लीज ये मत समझना कि ना ये हॉल बिल्कुल स्पॉन्सर्ड है, सो नहीं है, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, खुद जाके खरीदा है सब कुछ। क्या हो रहा है ना, इतना ज्यादा सामान आजकल मैं होम सेंटर से ले रही हूँ इसलिए आपको लग सकता है कि ये स्पॉन्सर्ड है, बट नहीं, कोई भी स्पॉन्सर डील ना ऐसी नहीं होती है जो आपको बैक टू बैक यू नो चीजें देती रहे। सो बट हाँ ये मैंने खुद से लिया है क्योंकि मैं घर डेकोरेट कर रही हूँ और उसमें हमेशा मुझे ऐसा लगता है यार ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ होम सेंटर का हॉल। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत क्यूट चीजें जो मैंने रखी हैं यहाँ बैकड्रॉप में। सो गाइस ये हैं दो डेकोरेटिव आइटम्स, इसके अंदर आपको सामान भी रख सकते हो, मतलब जैसे कि आपको टी लाइट कैंडल रखनी है वो भी आप रख सकते हो, वो भी मैं लेकर आई हूँ, और भी कुछ रख सकते हो, फ्लावर रखने या नॉर्मल ऐसे भी रखना ना आप ऐसे भी रख सकते हो। बैकड्रॉप में ना बहुत ज्यादा ये देखो प्यारे लग रहे हैं, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है, गोल्डन है। एंड आपको पता है मैंने कई बार बताया कि मेरे घर की जो थीम है वो गोल्डन व्हाइट बेज है, सो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा। एंड ये मिला है गाइज एक पीस है 499 का, सो दो मिले हैं मुझे 499 ईच, बट आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ये गिरा तो टूट जाएगा, सिरेमिक का बना हुआ है। एंड दो लाई हूं मैं ये बोल्स खाने के लिए, जैसे आपको मैगी खानी होती है, सूप पीना होता है, या फिर यू नो ऐसी कुछ ब्रेकफास्ट के आइटम्स खाने होते हैं, तो ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 299 का एक था, तो ऐसे ही 299 ईच। क्वालिटी काफी अच्छी है नो डाउट, बट हाँ गिरेगा तो ऑब्वियसली टूट जाएगा ये भी, और हैवी है, ऐसा नहीं है लाइट वेट है, लाइट वेट चाहती थी बट लाइट वेट मिला नहीं है, सो मैं ये लेकर आई हूँ। ऐसे पूरा सेट था वहां पे, लाइक प्लेट थी, मग्स थी, काफी कुछ था, मुझे तो बोल चाहिए थे क्योंकि मुझे वो सूप पीने का बड़ा ज्यादा शौक है, और इस टाइप के बोल में खाना ना मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा पसंद है, आप इसमें काफी सारी चीजें ना खा सकते हो, सो इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ।
और ये है कोस्टर्स का सेट, टेबल कोस्टर्स हैं ये, मुझे बड़े ज्यादा प्यारे लगे। 6 का सेट है ये, इसका प्राइस है 399। तो 400 पे मुझे लगा कि यार ये ठीक है, कितना ज्यादा अच्छा है। पढ़ के बताओ गाइस पे क्या लिखा है, इस पे लिखा है चक दे फटे। कोस्टर्स हैं यहाँ गाइस, मैंने इनको लगा रखा था वापस से अभी आपको दिखाने के लिए, इसमें डाल दिया। सच बता रही हूँ, सामान लेकर आई जब तक आपको दिखाने देते ना लगता है यार सामान यूज ही नहीं कर सकते। एंड सीरियसली इसको मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया था, वापस से इसको बॉक्स में डाल दिया। और इसका जो बॉक्स है ना संभाल के रखा था मैंने, सो दैट की वीडियो बनाऊ और फिर फेंक दूंगी। अब मैं फेंक सकती हूँ, मैं बैकड्रॉप में रखना चाहूंगा तो भी रख सकती हूँ। तो दो टाइप के हैं, तीन है ये ग्रीन कलर के, बाकी है ये पिंक कलर के। तो इस पे लिखा है चक दे फट्टे और इस पे लिखा है जैसी दुनिया वैसे हम। आपको बताया था ना कि मैं टी लाइट कैंडल्स भी लाई हूँ, तो मैं ये लेकर आई हूँ। एंड ये है गाइस 50 पीस का टी लाइट कैंडल, ये जैस्मिन है, बड़ी अच्छी खुशबू है, सेंटेड कैंडल्स हैं ये, मुझे 399 ₹400 में 50। ओ माई गॉड, बड़ा अच्छा डील मुझे मिल गया था। सो अभी जब दिवाली आएगी ना तो ये काम आएंगे। सच बताऊं शाम को ना मुझे ऐसा मन करता है कि थोड़ा ऐसा कुछ तो जलता रहना चाहिए। और ये जो मैंने होल्डर्स दिए ना इसमें भी मैं इसे लगा सकती हूँ, बट हाँ डायरेक्टली नहीं लगा सकती, इसके अंदर मुझे कुछ लगाना पड़ेगा, वो मैं सॉर्ट करूंगी कि मुझे क्या करना है। बट या ये भी मैं लेके आई हूँ, सॉरी मैं सब ओपन नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि यू नो फिर एक एक रखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, गुम हो जाती है। सो मैंने सोचा बस आपको ऐसे ही दिखा दूंगी और फिर इसको रख दूंगी, जब जरूरत होगी तब इसको ओपन करके यूज करूंगी। लिया है गाइस मैंने होम सेंटर से, ये है एक्रेलिक पेबल्स। तो आपको पता लगी क्या होगा, मतलब जैसे इससे आप खेल भी सकते हो। एंड जैसे एक्वेरियम होता है ना, एक्वेरियम में हम स्टोन्स डालते हैं, एक्रेलिक के स्टोन्स हैं। मेरे पास दो छोटे 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 पॉट्स हैं जिसमें मैंने फिश रखी है, फाइटर फिश है, एक का नाम है सुजन एक का नाम है मोरेन। सो उनके लिए मैं ये लेकर आई हूँ, मैं ना इसको अपनी यू नो बैकड्रॉप में यूज कर लूंगी, कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ, बट अगर मैं इस तरीके से डेकोरेट करके रखूंगी तो ये बहुत सुंदर लगेगा। ये मिला है गाइस मुझे 229 रुपीस का और इसमें कितने 140 ग्राम्स हैं। एक लिया है गाइस ये मैंने डेकोरेटिव आइटम, ये ना आप ये देख रहे हो ये कैसा है, ये लीव्स बनी हुई है, बहुत ज्यादा काम आता है, कहीं पे भी ना आप इसको लगा सकते हो। मैंने ना बालकनी का मेकओवर किया है तो उसके लिए मैंने इसको यूज किया है, सो ये मैं लेकर आई थी। ये बच गया है मतलब ऑलरेडी, हाँ मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, ये बच गया है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, कहाँ यूज किया है कैसे यूज किया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। एंड बहुत अच्छा दिख रहा है ये। और हाँ ये ना आपको अमेजोन पे मिल जाता है, तो अमेजोन पे मैंने चेक किया था 300 रुपीज में मिल जाता है, कुछ काफी सारा था। मैंने सोचा कि इसको ना मैं अब कैसे अपने शूट्स वगैरह के लिए यूज करूंगी एज अ प्रॉप। मेरे पास है दो बेडशीट्स, सो ये ली है मैंने दो बेडशीट्स, फिटेड बेडशीट्स हैं ये, बहुत ही प्यारी मुझे लगी थी और सॉलिड्स हैं। मैं हमेशा ना प्रिंटेड लेती हूँ, इस बार मैंने सोचा सॉलिड्स लूंगी, दोनों सेल्फ प्रिंट है, हाँ थोड़ा सा डिजाइन अलग है, इस टाइप का है इसका ना प्रिंट कुछ इस टाइप का है, और बहुत ही ज्यादा ना प्यारी लग रही थी मुझे, ब्राइट है। और नेक्स्ट है ये मेरे पास, ये है ग्रे कलर, वो है रॉयल ब्लू। गाइस आप ये देखो ये प्रिंट इस टाइप का है, सो ये भी मुझे अच्छी लगी। और ये थी 2500 या 3000 रुपए की एक थी, मुझे एग्जैक्टली इसका याद नहीं है तो, बट हाँ मुझे लगा कि इसको यूज करना है तो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, सो दैट यू नो मैं इसको आराम से यूज कर पाऊंगी। और आइटम है जो कि यू नो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, वो यहाँ ऊपर रखा है, सो मैं आपको ना दिखाऊंगी। ये आप देख रहे हो ना ये शेल्फ सी बनी हुई है, सो एक ऊपर शेल्फ है इसके, वहां रखा हुआ है, सो वो मैं आपको ना क्लिप में आपको दिखा दूंगी कि मैंने क्या लिया। बट हाँ वो भी बहुत सुंदर है, वो दो का सेट है, ऐसे ना बॉटल है और उस पर अच्छा ऐसी ऐसी मोटू सी बॉटल है, उस पर ढक्कन बना हुआ है, वो ढक्कन खुलता नहीं है, जस्ट अ डेकोरेटिव आइटम। तो या दैट्स इट गाइज, यही था मेरा छोटा क्यूटी म्यूटी सा होम सेंटर का हॉल। सो आप बताना आपको कैसा लगा है, एंड अभी तक मैंने आपको जितनी चीजें दिखाई ना वो आपको कैसी लगी है वो भी ना मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।